तो जो मैंने अपनी बेटी के बर्थडे पे आउटफिट पहना था ना, नोबडी बिलीव्ड कि वो मैंने मीशो से लिया है। वेल हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। आज थोड़ा ग्लूमी सा वेदर है, तो लाइट थोड़ी डार्क लग रही होगी आपको, बट मुझे ऐसा वेदर बहुत पसंद है। इसमें पिक्चर्स स्पेशली बहुत अच्छी आते हैं, आई डोंट नो व्हाई। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं मीशो अनारकली कुर्ताज, बेसिकली मीशो अनारकली कुर्ता सेट्स। कुछ लोग इन्हें अनारकली गाउन्स भी कहते हैं, बट आई कॉल देम अनारकली कुर्ताज ओनली। तो आज मैं आपको 4 डिफरेंट टाइप के अनारकली कुर्ताज दिखाने वाली हूँ। बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज इनमें से एक आउटफिट मैंने अपनी बेटी के बर्थडे पे रिसेंटली पहना था। सब लोगों ने उसकी बहुत तारीफ की, सो आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर। तो जो मैंने अपनी बेटी के बर्थडे पे आउटफिट पहना था ना, नोबडी बिलीव्ड कि वो मैंने मीशो से लिया है। मैं ये आपको दिखाने के लिए ना इतनी एक्साइटेड हूँ कि मैं बता नहीं सकती। इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कलर। मैं बहुत समय बाद ये वाला कलर पहन रही हूँ। एक्चुअली जब हम लोग स्कूल में थे, हमारे फेवल नहीं हम लोग आई थिंक 11th या 12th में थे, उस टाइम पे रॉयल ब्लू कलर इतना छाया हुआ था ना, एवरीबॉडी वाज वेयरिंग अ रॉयल ब्लू कुर्ता। तो मैं उस टाइम पे कभी ले नहीं पाई, बट आई वांटेड टू ट्राई दिस बिकॉज मुझे ये कलर लिटरली बहुत पसंद है एंड ये मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी पसंद था, बट मैं उस टाइम पे कभी पहन ही नहीं पाती थी। बट अभी आई ऑर्डर्ड दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कुर्ता। लुक एट द स्लीव्स। इसके स्लीव्स में लेकिन मैंने ऑल्टरेशन करवाया है, इफ़ यू विल सी। तो मैंने यहाँ पर थी यहाँ पर करवाया क्योंकि मुझे काफ़ी लूज थी स्लीव्स, बाकी ऊपर बस्ट के वहाँ से एकदम फिट था मुझे। दिस इज़ इन द साइज मीडियम। मैं ज़्यादा फिट नहीं करवाना चाहती थी साइड से क्योंकि मैं इसे थोड़ा बाद में भी यूज़ करना चाहती हूँ प्रेगनेंसी के टाइम पे। सो द बेस्ट पार्ट दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट आर द कप्स। इसके अंदर कप्स भी आए हैं एंड प्राइस पॉइंट के हिसाब से दिस इज़ टोटली वर्थ इट। फुल लेंथ अनारकली विद कप्स। आगे बटन की डिटेलिंग है, पीछे एक हल्का सा डीप नेक है जिसमें लटकन मिली है, बाकी नीचे ये एकदम प्लेन आएगा इस तरीके से। इसका घेरा बहुत सुंदर है, आप इसे कैन कैन स्कर्ट के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं इफ़ यू वांट लिटिल फ्लफी लुक, तो उसके लिए बहुत बहुत बड़े ऑप्शन हैं। स्लीव तो मुझे इसकी मतलब बहुत ही सुंदर लग रही है। एंड अगर मैं इसकी पैंट की बात करूँ तो इन लोगों ने जो इसके साथ पैंट दिया है दैट इज़ एकदम प्लेन, क्योंकि इसमें दिखेगा नहीं ऑब्वियसली, तो बिल्कुल एकदम प्लेन इसमें क्रेप का पैंट आया है। इसका जो मटेरियल है दैट इज़ जॉर्जेट, बट ये लगता बहुत सुंदर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द दुपट्टा। तो इसका दुपट्टा अभी पैकिंग में ही है क्योंकि मैंने यूज़ नहीं किया। इट्स अ वेरी नाइस दुपट्टा, लेकिन मैं बताती हूँ कि मतलब मैंने क्या किया था इस सूट के साथ। तो बेसिकली इसके साथ आता है ये एम्ब्रॉयडर्ड जॉर्जेट का दुपट्टा और इसमें ये वाली किरण मिलेगी आपको। नो डाउट दुपट्टा बहुत सुंदर है। द ओनली प्रॉब्लम दैट आई ऑलवेज फेसेस विद मीशो इज़ द लेंथ ऑफ द दुपट्टा। इस दुपट्टे की लेंथ काफ़ी कम है। मैं अभी ट्राई ऑन में आपको दिखा दूंगी, लेकिन इसकी लेंथ मुझे काफ़ी कम लग रही थी। सो लकीली मेरे पास एग्जैक्टली सेम कलर में एक सिल्क का दुपट्टा पड़ा हुआ था। सो आई हैड दिस ब्यूटिफुल सिल्क दुपट्टा जिसपे इस कुछ इस तरीके की जरी थी, तो मैंने सोचा ये एकदम परफेक्टली जाएगा इसके साथ। एंड इसने उसको इतना ज़्यादा इन्हांस किया ना गाइज, ट्रस्ट मी, इट वाज़ लुकिंग सो सो प्रिटी। मैं ट्राई करके दिखाती हूँ आपको कि लक कैसा रहा। एंड दिस इज इन द साइज मीडियम। इट्स टाइम टू ट्राई द नेक्स्ट कुर्ता, और ये वाला जो है इट्स अ ब्यूटिफुल पिंक कुर्ता। लेट मी जस्ट शो यू। सो इसका जो कलर है दैट इज़ अ ब्यूटिफुल पीच कलर। तो मुझे बहुत टाइम से ऐसा ही कुछ कलर ट्राई करना था बिकॉज आई डोंट हैव एनीथिंग इन दिस कलर, और मुझे फोटो में काफ़ी अच्छा लग रहा था। कमिंग ऑन टू द दुपट्टा फर्स्ट, इसमें इस तरीके का आपको वर्क मिलेगा। दिस इज बेसिकली अ पर्ल डिटेलिंग दुपट्टा बीच बीच में, एंड साइज में इस तरीके से इन लोगों ने लेस लगा के दिए। कहीं कहीं पर इसके धागे थोड़े से निकले हुए हैं, बाकी इसका लुक काफ़ी अच्छा है कलर वाइज। जो दुपट्टा है वो जॉर्जेट फैब्रिक में है और ये थोड़ा सा शाइनी क्रेप फैब्रिक में आएगा इसका जो सूट आएगा। एंड इसमें कोई पैंट नहीं आया है, इट्स अ दुपट्टा एंड अनारकली कुर्ता सेट जो कि कुछ इस टाइप का आया है। इसमें भी आपको यहाँ पर पर्ल का वर्क मिलेगा विद सम गोल्डन लेस जो कि काफ़ी डिसेंट लग रहा है देखने में। एंड मैं अगर बाकी बात करूँ, छोटा छोटा बूटा है एंड नीचे से ये एकदम प्लेन आएगा इस तरीके से। इसमें काफ़ी अच्छा घेरा दिया गया है, अंदर अस्तर भी है, और इस तरीके से इसमें आपको बॉर्डर मिल जाएगा। सो लेट्स ट्राई दिस आउट, देखते हैं कि ये लग कैसा रहा है। सो दिस इज़ द लुक ऑफ द कुर्ता। काफ़ी अच्छा लग रहा है, एकदम फुल लेंथ अनारकली है। इसका घेरा काफ़ी अच्छा है, सो आई वॉन्टेड टू ऐड दिस कैन कैन स्कर्ट इन साइड, तो वो इसको एक बहुत अच्छा फ्लफी लुक देगी। कैन कैन स्कर्ट ना इंस्टेंटली पूरा लुक चेंज कर देती है, सो आई रियली लाइक दैट। एंड यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस कि ये सिंपल कुर्ता से एकदम गाउन वाले फॉर्म में आ गया है।
एंड आई एम जस्ट लविंग इट. इसको थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं एंड देन वी गोना सी कि ये लक कैसा रहा है फाइनली. बाकी सब एकदम परफेक्ट आता है लेकिन द प्रॉब्लम इज वो है दुपट्टा. इसके दुपट्टे की भी लेंथ काफ़ी छोटी है. सो देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है लेकिन यार इतनी लेंथ से क्या ही होता है, पूरे अनारकली का लुक खराब हो जाता है. चलो मैं इसका दुपट्टा स्विच करके आती हूँ दूसरे दुपट्टे से एंड देन आई एम गोना शो यू. अभी मैंने सिर्फ सिंपल बेसिक ज्वेलरी पहनी है. नेक्स्ट कुर्ता सेट ऑफ टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी अ ब्यूटिफुल ग्रीन कलर. सो मुझे बॉटल ग्रीन डेफिनेटली अनारकली ट्राई करना था बिकॉज हु डजंट लाइक अ बॉटल ग्रीन अनारकली राइट. तो मैंने ऑर्डर किया ये बहुत ही खूबसूरत सा फोटो में जो मुझे लगा था. एंड मैं इसके स्लीव्स की बात करूँ, इट हैज़ दिस काइंड ऑफ स्लीव्स. इसका जो वर्क है वो मुझे इतना पसंद नहीं आया बिकॉज मुझे इसकी क्वालिटी, जो वर्क की क्वालिटी है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है. सो दूर से देखने में ये अच्छा लग रहा है लेकिन इफ़ यू हैव अ क्लोजर लुक ना तो ये ऐसे वाला वर्क है जो कि मुझे पसंद नहीं है. अब लेट्स ट्राई, क्या पता ये पहनकर अच्छा लगे मुझे. वैसे मुझे अच्छा लग रहा है लेकिन इसका वर्क नहीं अच्छा लग रहा है. नीचे इसमें इस तरीके से हैवी आएगा. देखो दूर से देखने में ये भी अच्छा लग रहा है बट पास फिर वही सेम एम्ब्रॉयडरी वाला इशू है. इसके अंदर भी कप्स आए हैं एंड इट कम्स विद दिस रियली हैवी दुपट्टा एंड डेफिनेटली ये भी स्टॉल स्टाइल में ही है तो इसका लेंथ भी काफ़ी कम दिया है इन लोगों ने. पूरा भरा हुआ जाल है विद अ हैवी बॉर्डर. लेट्स ट्राई, क्या पता ये पहन के डिफरेंट लुक दे. सो दैट्स द फाइनल लुक ऑफ द कुर्ता. आई मीन पहले मैं सिर्फ एम्ब्रॉयडरी से डिसअपॉइंटेड थी, अभी मुझे फिटिंग का भी इशू है. उसमें बेसिकली प्लीट्स दी गई हैं, उन्हें यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था लगभग कुछ ऐसे. तो इसका लुक काफ़ी अच्छा था, ये सुंदर लगता. मैं इसकी एम्ब्रॉयडरी झेल लेती एक बार को लेकिन इसने सब कुछ ख़राब कर दिया. एंड दुपट्टा इज़ ऑल्सो ऑफ शॉर्टर लेंथ. दूसरे देखने में शायद ही अच्छा लग रहा हो बट डेफिनेटली दिस इज़ नॉट वर्थ ट्राइंग क्योंकि क्वालिटी वाइज इट्स अ बिग डिसअपॉइंटमेंट. सो आई विल नॉट रिकमेंड यू दिस वन. ये ना मुझे एक्जैक्टली वैसी फीलिंग दे रहा है कि जैसे मैंने कोई स्कर्ट पहन ली हो ऐसे टॉप के ऊपर. सो या इट्स अ बिग नो. कलर वाइज मतलब ऐसे भरा हुआ डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लग रहा था लेकिन मतलब क्वालिटी वाइज भी ये डिसअपॉइंटिंग है और फिटिंग वाइज भी जैसे कि मैंने बताया. सो या मतलब मुझे दुख हो रहा है यार, पता नहीं क्यों. मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था आई थिंक. सो इस वजह से वो डिसअपॉइंटमेंट भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मेरी ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें थी इससे बिकॉज पहले दो कुर्ते बहुत ही अमेजिंग निकले हैं. बट एनीवेज एक आध तो मीशो है, निकलेगा ज़रूर. लेट्स ट्राई द नेक्स्ट वन. सो दिस इज द नेक्स्ट कुर्ता सेट दैट वी हैव एंड इट्स अ प्रिटी येलो कलर. कलर इसका काफ़ी सुंदर है, मुझे इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा लगा. लुक एट द ब्यूटिफुल वर्क ऑन द दुपट्टा यार, जॉर्जेट है, एम्ब्रॉयडरी भी सही लगी मुझे इसकी एंड साथ में इसमें ये इस तरीके से किरण का बॉर्डर मिलेगा आपको. सो इट्स अ वेरी नाइस लुकिंग दुपट्टा. लुक हाउ ब्यूटिफुल इट इज़ लुकिंग. बट अगेन इट्स अ शॉर्टर लेंथ दुपट्टा. इसके साथ ही एक पैंट भी आया है विच इज़ इन क्रेप मटेरियल अगेन. एंड ये जो दूसरा कुर्ता है हमारा, दिस इज़ दिस ब्यूटिफुल येल्लो एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ता एंड इसमें भी कप्स आए हैं एक्सेप्ट पिंक वाले के, सब में कप्स आए हैं. ग्रीन वाले में भी कप्स थे एंड ये मुझे बहुत सुंदर लग रहा है अभी तक तो. इसके स्लीव्स का पैटर्न भी काफ़ी सुंदर है, जॉर्जेट मटेरियल है एंड पूरे पे बूटा है इसमें नीचे तक विद दिस हैवी एम्ब्रॉयडरी ऑन द बॉटम. एंड सिमिलरली ये पीछे से भी एकदम डिट्टो सेम है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस आउट बिकॉज ये कलर, ये डिज़ाइन मुझे बहुत सुंदर लग रहा है. चलो ट्राई करके देखते हैं, दुपट्टे के साथ भी कुछ एक्सपेरिमेंट तो हम कर ही लेंगे. टुडेज वीडियो, सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट. दुपट्टों के लिंक्स मत मांगना क्योंकि अवेलेबल नहीं है. ये तो मैंने खुद से DIY करके बनवाया, कपड़ा लेके फिर मैंने इसको स्टिच कराया. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं. सो ऑल ऑफ दीज लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन कुर्ता के जो हैं. सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना. इफ यू वॉन्ट मोर सच मीशो हॉल्स, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वन.